मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, पार्षद के मनोदय में 20% की वृद्धि की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सीएम मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मनोदय 20% बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनें जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सभी के मनोदय में 20% की वृद्धि की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगले महीने से महापौर का मनोदय 20,000 से बढ़कर 26,400 रुपए हो जाएगा, उपाध्यक्ष का मनोदय 18,000 से बढ़कर 21,600 रुपए हो जाएगा, वहीं पार्षद का मनोदय 12,000 से बढ़कर 14,400 रुपए प्रतिमा हो जाएगा। प्रदेश भर की बहनें, खासकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की सारी बहनों ने रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। मेरी अपनी ओर से सारी बहनों को बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ कि सभी बहनों का आशीर्वाद भी बना रहे और धूमधाम से 15 अगस्त भी मनेगा। आने वाले जन्माष्टमी का भी आनंद लेते हुए हमने सबने प्रण किया कि सारे त्यौहार खूब हिलमिल के मनाए, आनंद के मनाए। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के उपाध्यक्ष, पार्षद सभी का 20% मानदेय बनाने की, बढ़ाने की घोषणा भी की गई और सर्वश्रेष्ठ संभाग में आने वाले नगर पालिका और नगर परिषदों को 5 करोड़ और 2 करोड़ क्रमशः हर साल देने की घोषणा भी की गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।